हिमाचल विधानसभा में वीरवार को एक्साइज पॉलिसी को लेकर सदन में जमकर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष की ओर से रणधीर शर्मा और सुरेंद्र सौरी द्वारा प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े किए गए। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से संतुष्ट जवाब न मिलने पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया और शराब घोटाले के आरोप लगाए। यही नहीं, विपक्ष ने इसकी न्यायिक जाँच की मांग भी उठाई। रिजर्व प्राइस को लेकर अपनी बात कही है, क्या आपको लग रहा है ऐसा कि उसमें गड़बड़ है? निश्चित रूप से इस मामले में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इतनी ज्यादा है कि इसको अगर शराब घोटाला भी कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाई, 2023-24 में उस पॉलिसी के अंतर्गत ठेकों की नीलामी हुई और उन ठेकों की नीलामी जो जिलावार हुई, वो जिलावार जो धनराशि थी, उसी जिलावार धनराशि को इस साल 2024-25 की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस रखा गया। हर साल रिजर्व प्राइस से ज़्यादा शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार ये हैरानी हुई है कि रिजर्व प्राइस से कम पर भी कई जिलों में बोली चली गई। पूरे प्रदेश के 5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम बोली गई, मतलब पिछले साल की नीलामी से भी इस साल कम धनराशि पर नीलामी, और 3 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर नीलामी। 100 करोड़ के लगभग कमी जो पिछले साल की नीलामी से हुई है, हम मानते हैं वो घोटाला है। जिला चाहे शिमला हो, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा और ऊना, इन जिलों में एक तो रिजर्व प्राइस से कम पर बोली गई है। अगर आप बोलें तो मैं आंकड़े पढ़ सकता हूं। शिमला में 241.44 करोड़ रिजर्व प्राइस था, 250 करोड़ में नीलामी गई। कांगड़ा में 296.40 करोड़ रुपये थी और बोली 279.94 करोड़ में गई। नूरपुर में 118.35 करोड़ रिजर्व प्राइस था, 100 करोड़ में बोली चली गई। चंबा में 108.84 करोड़ रिजर्व प्राइस था, 103 करोड़ में चली गई। ऊना में 143.90 करोड़ रिजर्व प्राइस था और 117 करोड़ में बोली चली गई। इस तरह इन जिलों में रिजर्व प्राइस से कम जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शराब की बिक्री भी बढ़ रही है, शराब की बोतल पर टैक्स भी लगा है। इसलिए हर सूरत में रिजर्व प्राइस, क्योंकि वो पिछले साल के बराबर रखा था, उससे कहीं ज़्यादा बोलियाँ आनी चाहिए थी। इसलिए हमारा आरोप है कि इसमें मिलीभगत हुई है, सरकार के संरक्षण में घोटाला हुआ है, जिसके कारण ये हुआ। और इसके अलावा सिरमौर, किन्नौर, मंडी और बिलासपुर, इन 4 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर, जैसे बिल्कुल मिली भगत से काम हुआ हो। आप देखेंगे सिरमौर में 78.40 करोड़ रिजर्व प्राइस, 78.41 करोड़ में बोली जाती है। मंडी में 182.32 करोड़ और 182.50 करोड़ में बोली जाती है। बिलासपुर में 90.69 करोड़ और 90.79 करोड़ में बोली जा रही है। तो ये शरे आम मिली भगत है। नंबर 2, जिलों में यूनिट्स बनाए जाते हैं कि जिलों में यूनिट्स के हिसाब से ठेके आवंटित ठेकेदारों को होते हैं। इन्होंने अपने पिछले साल जो यूनिट बनाए थे उनका पुनर्गठन किया और पुनर्गठन में यूनिट्स को बड़ा कर दिया गया ताकि ठेकेदारों को लाभ दिया जा सके। सिरमौर में 5 यूनिट थे, पूरे जिले का एक ही यूनिट बन गया ताकि एक ही ठेकेदार को काम मिले। मंडी में 8 यूनिट थे, कितना बड़ा जिला है, उसका भी एक ही यूनिट बन गया ताकि उस ठेकेदार को लाभ मिले। नूरपुर में 5 यूनिट थे, उसका भी एक ही यूनिट बन गया और वहाँ भी उसको लाभ मिला। बिलासपुर में 5 के 2 यूनिट, ऊना में 11 के 10 यूनिट, चंबा में तो 11 यूनिट्स का एक ही यूनिट किया गया। ये आंकड़े दर्शाते हैं, स्पष्ट करते हैं कि इस बार शराब नीलामी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार के संरक्षण में हुआ है। मुख्यमंत्री जी पिछली सरकारों के आंकड़े देखकर इस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच कराई जाए,
दोबारा बोलियां कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।